अपने ही गाने सुन के जो है यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, मतलब म्यूजिकल खाना बन रहा है। 7-8 बजे के टाइम पे ऐसे फुल नाश्ता कर लिया था ना, समोसे मोमोज कचौरी वगैरह। दोस्तों कैसा हो अगर जून जुलाई के मौसम में सुबह सुबह आँख खुले और आपको बारिश होती हुई मिले। आज हमारे गांव में तो कुछ ऐसा ही मौसम है, सुबह सुबह आँख खुली और मुझे होती हुई मिली ये बारिश। मतलब पड़ तो ये रात से ही रही है, लेकिन सुबह जब मॉर्निंग में आँख खुलती है और बारिश होती हुई मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता है। तो आज हमारे यहाँ का गाँव का कुछ ऐसा ही मौसम है, बहुत बारिश हो रही है और चारों तरफ ठंडा मौसम है, जो कि बहुत ही प्यारा मौसम है। दोस्तों बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और आज आंख नहीं खुली थी किसी की भी, लेट आंख खुली थी तो इसीलिए जो है नाश्ता भी लेट बना है, टाइम हो रहा है। इसलिए खुली थी क्योंकि रात भर हमारे यहाँ लाइट नहीं आई, बहुत कम लाइट आई है, तो मच्छर भी इतने काट रहे थे ना, बार बार बच्चे भी उठ रहे थे और हम लोग भी उठ रहे थे। हाँ तो ये लाइट नहीं आई, सबसे बड़ी बात यह है कि 10 बजने वाले हैं और हमारा नाश्ता अब तैयार हो रहा है। और नाश्ता तैयार हुआ है या हो रहा है? नाश्ता तो हो गया रेडी, मैं लगाती हूँ दस्तरखान। क्या बनाया नाश्ते में जरा बताओगी? नाश्ते में नमक वाली रोटी घी के साथ, चाय, भिंडी की सब्जी। क्या है दोबारा बताइए? जो आटा, आटे में नमक डाल के नहीं गूंथते, नमक वाली रोटी होती है वो, घी, घी लगा के उसके ऊपर चाय के साथ, वो अच्छी लगती है ना। और शाम की सब्जी बची है भिंडी की, कुछ अंडे के आमलेट बनाया है बस। अच्छा तो नमक की रोटी फेमस है हमारे घर में ना। कहाँ है जरा दिखाओगी शक्ल नमक की रोटियों की? घी लगा हुआ। अच्छा चलो तो वही नमक की रोटी से ही काम चलाएंगे। फाइनली सबने नाश्ता कर लिया है और अनाया कह रही है नाश्ता करके मेरी बॉडी बन गई। दोस्तों यहाँ पर इन तीनों बच्चों की पढ़ाई चल रही है, जो कि इनकी मम्मी इनको पढ़ा रही है। और उस दिन जो सामान मैंने थैली में मंगाया था दुकान से, इन तीनों के लिए कॉपी मंगाई थी और पेंसिल, तो वो सारा सामान जो मैं लेकर आया था, मुझसे मंगाया गया था साजिया के द्वारा, वो यही थी, कॉपी और पेंसिल और इनकी ये किताब थी। बहुत ज़्यादा छोटी है, बच्चे इसमें अक्सर जल्दी से पहचान ही नहीं रहे, क्योंकि अक्सर पहचान के बच्चे, मतलब जो वैसी चीज़ें रहती चीज़ों का पहचान के अक्सर बताना शुरू कर देते हैं, तो इनको बहुत दिक्कत हो रही है। इनके लिए दूसरी किताब आएगी बड़ी वाली, जिसमें बड़े बड़े उसमें लिख रहता है। ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी वाली भी आ जाएगी, इसमें भी इन्हें पढ़ाओ, कुछ तो पहचान करेंगे। देखो दोस्तों इसको जो है पहली बार कुछ सिखाने के लिए चले थे और ये देख लो क्या सीख गया ये, इसको जो है ना सीखने में कुछ भी दिलचस्पी नहीं। और ये बैठा दूसरा वाला, ये मुझे दिखा रहा है देखो पापा मैंने क्या गड़बड़ करी, ये इसने किताब, हाँ देखो ये देख लो, और इसकी मम्मी इसे बता रही है कुछ मतलब बनाने के लिए, लेकिन नहीं बोला है मुझे बाहर जाकर बनाना है, बाहर जाकर वहाँ तो सब कुछ खराब हो जाएगा। दोस्तों 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पर खाना भी बन रहा है दोपहर का, और खाने के साथ साथ गाने भी चल रहे हैं, अपने ही गाने सुन के जो है यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, मतलब म्यूजिकल खाना बन रहा है। आज दोपहर के टाइम पे खाना ख़राब हो जाएगा ऐसे गाने सुनोगे तो, ऐसे ही कर लो काम को बिना गाना। मुझे अपनी रील्स बहुत अच्छी लगती है, मैं इसलिए अपनी वीडियो बार बार देखती हूँ। क्या बना रही हो आज खाने में? आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त की सब्जी और उसके साथ चावल। फिलहाल जो है इसमें तुम प्याज व्याज काट रही हो अभी, मतलब अभी शुरुआत ही है। पता मेरे हाथ में क्या हो गया, यहाँ कितनी मिर्ची लग रही है अंगूठे में ना, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। मिर्ची तो लगेगी, बैंडेड लगाना इस पर, ठीक है बैंडेड ला के दूंगा एक तुम्हें तो। पता नहीं यार लोग ऐसे कैसे काटते हैं वो उस वाली ट्रे पर प्लास्टिक की, उस पर मुझे उस पर खाना सब्जी काटने का मन कर रहा है। तो तुमसे जो है काटने नहीं आती? रहने दो, ओवर एक्टिंग मत करो, वैसे हाथ पैर कट जाएंगे तुम्हारे, ओवर एक्टिंग मत करो। मिर्ची काट रही हूँ ना इसलिए मिर्ची लग रही है इसमें। जल्दी बना लो, भूख लगी है बहुत तेज। 12 बजे भूख लग गई तुम्हें? 12:30 बज रहे हैं मैडम, 1:30 बजे तक खाना बन जाएगा। ठीक है दोस्तों आज कुछ हो ना हो पर आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, सुबह से ही जो बारिश पड़ रही है, सुबह से नहीं बल्कि रात से ही बारिश पड़ रही है, कल शाम से पड़नी शुरू हुई थी और अभी तक पड़ रही है, और इस समय दोपहर का टाइम हो रहा है। साजिया काफ़ी देर से खाना बनाने में लगी पड़ी है, अभी तो खाना तैयार नहीं हुआ, मैं आपको अंदर ले जाके दिखाऊंगा अभी रसोई में कि कितनी देर और लगेगी अभी खाना बनाने में। फिलहाल आप मौसम देखो, ये देखो चारों तरफ मौसम बिल्कुल काला मौसम, बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, अभी फ़िलहाल बूंद पड़ रही है और सुबह तेज़ पड़ रही थी बारिश। और आप हमारे गांव की लोकेशन देखो कितनी प्यारी है, इधर भी खेत
बीच में सड़क, इधर भी खेत और मौसम काला और उधर वहाँ सामने तालाब है। बहुत मज़ा आ रहा है इस मौसम में। काफ़ी दिन के बाद गर्मी से कुछ राहत मिली है। तो चलो अभी रसोई में चलते हैं और चल के देखते हैं। रसोई में आ गए दोस्तों हम। अभी कितना टाइम और है खाना बनने में? मैंने कैसे खाना लगा दिया है और मैं फटाफट खाना लगा देती हूँ क्योंकि टाइम भी शायद 2 बज गए हैं। हाँ 2 बज गए हैं, काफी देर हो गई। खाने में सब 12:30 बज रहे थे जब मैं पहले आया था। 10 बजे नाश्ता होगा तो खाना तो लेट खाया जाएगा ना। हाँ वैसे तो आज 10 बजे ही उठे थे। अब ये बाजी क्या दे रही है मुझे? जल्दी से लगाओ। बाजी को पसंद है, मैं आराम लगाती ना तो मैं हमेशा ये वाली पिन लगाती हूँ। इसके लिए बाजी थैंक यू। दोस्तों आज तो हमारी जान को ना बुखार हो रहा है। ये कल पानी में भीग रहा था, पाइप में पानी उसमें कल ये ज़्यादा नहा लिया ना, तो आज कल शाम से इसकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने फ़िलहाल तो इसे दवाई पिला दी है और इधर खाना लग रहा है। आओ दो चावल जल्दी से लेके जाऊँ। हाँ। चलो जी गर्मा गर्म चावल। दोस्तों कल रात से हमारे गांव में बारिश हुई थी, आज सुबह भी हुई है, कल रात भी हुई थी और आज दोपहर भी हुई थी, मतलब अब से कुछ देर पहले तक भी हो रही थी। इस समय शाम के 4 बज रहे हैं और काफ़ी लंबी बारिश पड़ी। और बारिश पड़ने के कारण हमारे गांव में क्या है कि हमारे घर के पास आसपास खेत है चारों तरफ, तो हमारे घर के चारों तरफ खेत होने की वजह से हमारे घर के चारों तरफ ही पानी भर जाता है। मैं आज आपको भी दिखाता हूँ हमारे यहाँ पर घर का हाल कैसा रहता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे ये खेत है, इधर ये किसी का मतलब प्लॉट है और यहाँ पर ये खेत है पूरा। और देखिए ये हमारी दीवार है और यहाँ से कितना पानी खड़ा हुआ है। आप सामने इन पेड़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर पानी है दोस्तों। और वो सामने वहाँ पर देखिए, इस वाले खेत में तो मुझे नॉर्मल दिख रहा है लेकिन उस वाले खेत में तो मुझे ऐसा लग रहा है सामने वाले में जैसे तालाब बन गया हो। वैसे काफ़ी इसमें भी काफ़ी है क्योंकि एक बार मैंने इसमें जाके देखा है, ये पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और मैं इधर भी इस साइड भी आपको दिखाता हूँ, वो एक साइड थी, ये दूसरी वाली साइड है। ये देखिए यहाँ से ये बगला उड़ के भागा है, ये भी खेत है और ये हमारी दीवार है यहाँ से। और ये देखिए पानी भरा हुआ है, इस वाले खेत में भी है, उस वाले में भी है। और दोस्तों एक बात और है, इधर से इस वाली साइड से मैं आपको दिखा दूँ, हमारे यहाँ से पानी जाने का कोई सिस्टम नहीं है। इधर की साइड से खेत है, यहाँ से जो ये दीवार दिखाई दे रही है ना, आगे चल के थोड़ी सी आगे चल के दीवार टूटी हुई है और इस दीवार से अंदर पानी पता नहीं कैसे दीवार के अंदर आर पार पानी निकलता है। मतलब दीवार कच्ची है, शायद इस वजह से आर पार पानी निकलता है और वो सीधा सड़क में भी निकलता है। इस खेत का पानी काफ़ी ज़्यादा पानी निकलने के बावजूद भी इस दीवार से तब भी ये पानी जल्दी से ख़त्म नहीं होता। अगर बारिश भी रुक जाए तो इसे कम से कम 3 दिन लग जाते हैं इस पानी को निकलने में यहाँ से। अगर बारिश रुक जाए उसके बावजूद भी 3 दिन निकलते हैं यहाँ से इस पानी को निकलने में। और इस साइड में आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से पानी आता है इस साइड से, ये ऐसे आता है इस साइड से पानी। जब ज़्यादा पानी भरता है बहुत ज़्यादा तो इस साइड से निकलता है और यहाँ से निकलता हुआ ये सड़क पे चला जाता है पानी। और ये जो इधर के जो खेत है ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका सबका पानी उधर पेड़ की तरफ से निकलते हैं और सब सड़क पर निकल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बाहर की तरफ से भी दिखाऊँगा अभी कि हमारे यहाँ पर पानी किस टाइप से भरता है, किस तरह से हमारे यहाँ पानी भर जाता है चारों तरफ घर के भी और कैसे निकलता है। सामने ये देखो दोस्तों तालाब है हमारे घर के, तो इस तालाब में जितना भी पानी है ये खेत का हमारे घर के चारों तरफ का सब इस तालाब में जाता है। और उधर आगे इन पेड़ों से पार होके भी एक तालाब और है, इस तालाब का पानी थोड़ा सा उधर जाता है। तो बहरहाल इसमें तो सबसे ज़्यादा पानी इसी में ही जमा होता है, पूरे गाँव का पानी। बल्कि मैं आपको बाहर से भी दिखाऊँगा, सड़क में जाकर भी दिखाऊँगा कि पानी कहाँ से निकल रहा है। तो फिलहाल मैं अपने घर के चारों तरफ का व्यू आपको दिखाने के लिए लाया था कि इस समय बारिश हुई है तो एक ही बारिश में हमारे घर के चारों तरफ पानी भर गया। तो दोस्तों ये है वो जगह जो मैं छत पे से आपको दिखा रहा था, इस साइड से जो है ज़्यादा पानी भरने की वजह से इस साइड से पानी आता है और यहाँ से निकल के ऐसे यहाँ से चला जाता है पानी। और वो सामने जो आपको सड़क दिखाई दे रही है ये वाली सड़क, यहाँ पर ये देखो पानी इधर वाले प्लॉट से निकल के आर पार और यहाँ से सड़क से होता हुआ सीधा इस तालाब में चला जाता है। तो वो जो मैं आपको छत पे बता रहा था वो यही जगह है इस समय। तो देखिए दोस्तों ये है वो जगह, देखिए कितना पानी यहाँ से निकलता है इस वाले प्लॉट से। और बहुत ज़्यादा पानी रहता है यार, जब बारिश पड़ती है तो ये पानी बहुत आगे तक आ जाता है, यहाँ तक भर जाता है इस जगह तक। तो अभी तो फ़िलहाल यहीं पर रह गया है क्योंकि बारिश हो गया, काफ़ी टाइम हो गया और इस तालाब में जा रहा है। साथ में दोस्तों ये ईशान, जियान और अनाया तीनों यहाँ पर आ गए हैं मेरे पीछे पीछे खेलने के लिए। इनका भी मन नहीं लग रहा घर में, ये भी यहाँ पर आ गए हैं पानी में डुबकी लगाने के लिए। दोस्तों शाम का टाइम है और पकौड़ी खाने का बड़ा मन है।
में बच्चों को लेकर गए थे पकौड़ी खाने के लिए, लेकिन आज बारिश हुई थी दिन में, तो जिसकी वजह से पकौड़ी वाले ने आज पकौड़ी लगाई ही नहीं, तो इसीलिए हम किसी और की दुकान पर गए और थोड़ा कुछ कचौड़ी वगैरह खाकर वापस आ गए। फिलहाल तो घर में हमारे मेहमान आए हुए हैं और मैं बाहर बच्चों की देख रेख कर रहा हूँ। जैसे कि ये है ईशान, ये बाहर आकर खेल रहा है, और ये है जियान, ये भी बाहर आकर खेल रहा है, और बाकी वो मेहमानों के बच्चे और हमारी अनाया भी है, ये सब बाहर आ गए हैं खेलने के लिए, और जिनकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ क्योंकि ये अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहे और सड़क में आकर खेल रहे हैं। सड़क पे गाड़ी वाले आ जा रहे हैं जिसकी वजह से मुझे जो है इनकी देखरेख बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। दोस्तों रात के 12 बज रहे हैं और इस समय हमारे घर में खाना खाया जा रहा है। यहाँ पर जैनब खाना खा रही है और यहाँ पर साजा ने भी खाना खा लिया है। अभी खाया है? नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जैनब का मन कर रहा है खाना खाने का, और बच्चे भी अभी सोए नहीं हैं। उधर वो बैठा है ईशान, और इधर ये जियान और अनाया मोबाइल चला रहे हैं। रात के 12 बजे आज वैसे भी कुछ मेहमान आ गए थे, तो हमने गलत टाइम पे मतलब 7-8 बजे के टाइम पे ऐसे फुल नाश्ता कर लिया था ना, समोसे मोमोज कसोरी वगैरह और कोल्ड ड्रिंक पी थी मैंने गिलास भर भर के, तो मेरा पेट तो फुल है। लेकिन हाँ, मैं आज आम खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। देखो इसका, देखो दोस्तों, ये हमेशा चिढ़ता है अगर मैं बच्चे को गोद में ले लेती हूँ ना, तो कहता है मुझे बैठना है आपकी गोद में। दोस्तों मेहमान आने की वजह से आज खाना लेट हो गया, क्योंकि सबने मेहमानों के साथ नाश्ता किया था आज शाम के टाइम, जिसकी वजह से किसी को भी भूख नहीं लगी, और अब लगी तो रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं। ये गोद में आ रहा है मेरी, इसको ले लेने दे रहा, मैंने कहा दोनों आ जाओ, वो बेचारी लेट रहेगी छोटी सी, और ये ऐसे रह गए खाते। तो